एक मखलूक का इकराम करते हो मेहमान का, जाते हो कहते हो कि आपके मिजाज का पता नहीं था, कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ हुई हो तो माफ कर दीजिए। तो अल्लाह ताला से भी इबादत करके ये कहो अल्लाह से कि अल्लाह एक बंदा एक बंदे की मिजाज छिनाची के में माजरत करता है कि हम आपको पहचानते नहीं मिजाज कैसा है, मालूम नहीं खाना आपके मिजाज के मुताबिक था, जिस तरह आपके मिजाज के मुताबिक खाया नहीं, तो बंदा अल्लाह के मिजाज को कैसे पहचानने का दावा कर सकता है। यही कहो कि अल्लाह मेरी नमाज मेरी तिलावत मालूम नहीं आपके अजमत शान के काबिल है या नहीं, लिहाजा नेकी कर और तौबा भी कर, नेकी कर और तौबा भी करो कि अल्लाह ताला माफी दे दीजिए। इसीलिए सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाजों के बाद इस्तिग़फ़ार तीन दफे करते थे, वरना नमाज को एक गुनाह है, इसीलिए कभी करते थे। मेरे बुजुर्गों ने फरमाया, शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार इसलिए है कि ये नमाज आपके अजमत के काबिल नहीं है, कोताहियों को माफ कर दीजिए। ये सुन्नत है, तीन दफा इस्तिग़फ़ार करना सुन्नत है नमाजों के बाद।